Hi Chaskers, welcome back to my channel. It's Makeover Time and it's me Arpita. So today I will be reviewing Roop Mantra new face wash, which is another variant of Roop Mantra face washes range. जो इसका एक lime and mint variant है, उसका already मैंने review कर चुकी हूँ. तो उसकी link मैंने description box में mention कर दी है. तो अगर आप interested हैं तो check कर सकते हैं. आज हम देखेंगे कि Roop Mantra का new face wash किस तरह का है, कितना effective है, किस तरह का result मिलता है. Everything I will share with you girls. But before going into the video, I would like to request you to subscribe my channel if you haven't subscribed yet and also tap the bell icon next to the subscribe button for notification about my upcoming uploads. ताकि जो भी मैं videos upload करूँ उनकी notifications आपको proper मिलती रहे, आपसे कोई भी video मेरा miss ना हो. Now without further ado, let's get started. Okay, so let's talk about its packaging first. मुझे ये product किसी भी cardboard outer packaging के साथ receive नहीं हुआ था. इस तरह से ये white simple regular tube kind of packaging में आता है. You can see white squeezy tube with flip top cap like this. काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, तो आप इसे इजिली कैरी कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैवल भी अपने हैंड बैग में और ट्रैवलिंग बैग में. सेम पैकेजिंग है लाइक इट्स अदर वेरियंट्स, उनकी भी सेम है पैकेजिंग और प्राइसिंग भी सेम है. रूप मंत्रा नीम आयुर्वेदिक मेडिसिनल फेस वॉश इज रिटन ओवर हियर. नीम लीव्स आर प्रिंटेड. जो इसके बैग में प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंशन है लाइक इन्ग्रीडियंट्स, इसकी प्राइसिंग, प्रोडक्ट क्वान्टिटीज, शेल्फ लाइफ. तो जो इसके इन्ग्रीडियंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करती हूँ. इसमें है नीम लीव्स एक्सट्रैक्ट्स, तुलसी एक्सट्रैक्ट्स, हल्दी एक्सट्रैक्ट्स. तो जो भी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं इसमें वो सारे हर्बल हैं. एंड यहाँ पे प्रिजर्वेशन के लिए कोई भी पैराबिन यूज़ नहीं किया हुआ है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट. ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है और ये हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिनल फेस वॉश है, विच इज़ अनदर प्लस पॉइंट. मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है इनका कंसेप्ट. एंड यस, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स की. आप इसे 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ 1 or 2 or 3 ड्रॉप्स की नीड होती है अपने फेस को वॉश करने के लिए. तो ये प्रोडक्ट इजीली आपका मोर देन 1 मंथ आपका चलेगा. इसमें मिलता है आपको 100 ml ऑफ द प्रोडक्ट, बट इंट्रोडक्टरी ऑफर है तो आपको मिलता है 15 ml एक्स्ट्रा. सो फाइनली यू गेट 115 ml ऑफ द प्रोडक्ट. इसका प्राइस है 83 rupees, सेम लाइक इट्स अदर वेरियंट्स, उनका भी प्राइस सेम है. अब बात कर लेते हैं ब्रांड ने जो क्लेम किया है यहाँ पर. रिमूव एक्सेस ऑयल, डीप रूटेड डर्ट, कंट्रोल ब्लेमिशेज एंड पिम्पल. तो यहाँ पे इस तरह से ब्रांड ने 3 क्लेम्स किए हुए हैं जिन्हें मैं आपसे डिस्कस करूँगी 1 by 1. जो फर्स्ट है वो है रिमूव एक्सेस ऑयल. सो यस, आई कम्प्लीटली एग्री विद द फर्स्ट क्लेम, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से स्किन को क्लीन करता है, डीप पोर क्लींजिंग करता है. मैं आपसे कहूँ तो जो भी आपके पोर्स में डस्ट, डर्ट, पॉल्यूशन, मेकअप, ऑयलीनेस, स्वेटीनेस जो भी जमा हो जाता है वो सब अच्छी तरह से रिमूव कर देता है. ये काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन करेगा आपकी स्किन को और साथ ही साथ जो भी आपके स्किन में डेड सेल्स जमा होते हैं, जो डेड स्किन सेल्स होती हैं, ये उन्हें भी रिमूव करता है. जो इसका सेकेंड क्लेम है वो है इट रिमूव्स डीप रूटेड डर्ट. तो जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया अभी कि काफ़ी अच्छी तरह से डीप पोर क्लींजिंग करता है ये. जो इसका थर्ड क्लेम है वो है कंट्रोल्स ब्लेमिशेज एंड पिम्पल. तो सबसे पहले मैं पिम्पल के बारे में बात कर लेती हूँ. जो इसका की इंग्रेडिएंट है वो है नीम एक्सट्रैक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रिवेंट करने में एक्ने और पिम्पल को. आपको पता ही होगा नीम कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है. सो यस, काफ़ी अच्छी तरह से ये प्रिवेंट करेगा क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो जो भी हमारे फेस में बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं ये उन्हें किल करता है, हमारे जो पोर्स होते हैं उन्हें डीपली क्लीन करता है. तो जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग नहीं होते हैं, हमारी स्किन ब्रीथ कर पाती है, जिसकी वजह से भी पिम्पल और एक्ने प्रिवेंट होते हैं, कंट्रोल काफ़ी अच्छी तरह से करता है. सो यस, आई एग्री विद द थर्ड क्लेम. बट यहाँ पर जो ब्लेमिशेज के बारे में इन्होंने कहा है कि इट कंट्रोल ब्लेमिशेज, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि कोई भी हम प्रोडक्ट जब लॉन्ग टाइम तक अपने फेस पर रखते हैं, लाइक फेस वॉश हम जब यूज़ करते हैं तो 35 और 45 सेकेंड्स के अराउंड में ही अपने फेस को हम वॉश कर लेते हैं, तो ये उतने सेकेंड्स तक ही हमारे फेस पर रहता है. बट कोई प्रोडक्ट हम लॉन्ग टाइम तक अपने स्किन पर अप्लाई किए हुए रहते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट करती है. जैसा कि इस फेस वॉश में है, आपकी स्किन को काफ़ी अच्छी तरह से ये क्लीन करेगा, आपकी स्किन ब्रीथ कर पाएगी क्योंकि आपके पोर्स को ये क्लीन कर देता है, डीपली क्लीन करता है, जो भी डर्ट पॉल्यूशन होता है और जो भी डेड स्किन सेल्स है वो भी रिमूव हो जाती है. तो आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हेल्दी और ग्लोइंग भी रखती है. बट ब्लेमिशेज के लिए आप 30-45 सेकेंड्स में अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन 1 टाइम के यूज़ में नहीं होगी. अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिलेगा, बट वो भी बहुत जल्दी देखने नहीं मिलेगा. माई स्किन टाइप इज़ नॉर्मल टू ड्राई एंड आई एक्सपीरियंस लिटिल बिट ड्राइनेस ऑन माई फेस आफ्टर यूजिंग दिस फेस वॉश, नॉट टू मच. मुझे हल्की सी ड्राइनेस फील हुई थी मेरे फेस पर, बहुत ज़्यादा नहीं, बट नॉट एन इशू. मैंने काफ़ी सारे फेस वॉशेज यूज़ किए हैं जिन्हें यूज़ करने के बाद मुझे हल्की सी ड्राइनेस होती है, बट फेस वॉश के बाद मैं सीधे मॉइस्चराइजेशन परफॉर्म करती हूँ, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करती हूँ तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, स्किन में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लगती है और मॉइस्चराइज लगता है फेस. तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जिनकी नॉर्मल स्किन है
वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट जिनकी ड्राई स्किन है और एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है मैं ये प्रोडक्ट उन्हें रिकमेंड नहीं करूँगी। यस, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ड्राई और एक्सट्रीमली ड्राई स्किन पीपल तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसे रिकमेंड करूँगी आप इसे मानसून टाइम पे और समर टाइम पे यूज़ करें, क्योंकि मानसून में काफ़ी ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने मिलता है, तो उस टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। और आपको काफ़ी अच्छा कोई भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम अप्लाई करनी ही होगी ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए। मॉइस्चराइजेशन तो मस्ट है आपके लिए, तो मॉइस्चराइजेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एट दैट टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, बट विंटर्स में आपके लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उस टाइम पे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा आपको ड्राई लगेगी। कर सकते हैं जिनकी ऑयली स्किन है, पिंपल एक्ने प्रॉन स्किन है और कॉम्बिनेशन स्किन है, मैं डेफिनेटली उनको ये रिकमेंड करूँगी प्रोडक्ट, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है, बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है एंड विच गोज अवे राइट आफ्टर वॉशिंग द फेस। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है और बेनिफिशियल प्रोडक्ट है ये, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको स्किन इश्यूज़ या इरिटेशन फेस नहीं करनी पड़ेंगी। समर टाइम में यूजुअली देखा जाता है कि सनबर्न का इशू हो जाता है और हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन की तरह वर्क करती है, इवन जब हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल होते हैं तब भी हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन की तरह एक्ट करती है, तो काफ़ी अच्छी तरह से हील करेगा आपको एक्ने पिंपल पे भी और सनबर्न पर भी काफ़ी अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट वर्क करेगा। आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो, प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टैप द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन फॉर नोटिफिकेशन अबाउट माई अपकमिंग अपलोड्स। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।